हेलो गाइस, मैं रूपाली आपको आप ही के चैनल में स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं बढ़िया स्वाद। तो दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे ट्रेंडिंग वाला फुलजार सोडा। ये सोडा बाकी सोडा से काफी अलग है और काफी डिफरेंट होता है और बहुत ही ज्यादा स्पाइसी और काफी फ्लेवरफुल होता है। तो इन गर्मियों में ट्राई करिए फुलजार सोडा और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आज की ये चटपटी तीखी मीठी सोडा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चलिए, मैंने ली हूँ 1/2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच पुदीना के पत्ता, 1/2 कप धनिया पत्ता, 2 बड़े चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच जलजीरा पाउडर, 1/2 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च और 1 नींबू। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक मिक्सी के जार में डालेंगे धनिया, पुदीना के पत्ते, अदरक, हरी मिर्च। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्च का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 2 से ज्यादा मत डालें, नहीं तो इतना स्पाइसी बनेगा कि आप पी ही नहीं पाएंगे इसको। अब स्पाइसी को कंट्रोल करने के लिए डालें 2 चम्मच भर के शुगर। अगर आपको एकदम कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो सब्जा के बीच 1 चम्मच लीजिए और इसको 10 मिनट भिगो के इसमें डाल दीजिए। मैं यहाँ पे सब्जा के बीज नहीं डाल रही हूँ। अब इसमें 1 चम्मच पानी डाल के मिक्सी में चला लीजिए। ये देखिए, इसका पेस्ट बन गया है। अब इसमें डाले ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर, जलजीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल के मिला लीजिए। अब इसको इस टाइप के एक शॉट ग्लास लेके इसमें डाल दीजिए। अब इसमें नींबू को निचोड़ लीजिए और इसे मिला लीजिए और थोड़ा सा पेस्ट डाल देंगे इसमें। इसके बाद सर्विंग के लिए एक प्लेट ले लेंगे। मैं प्लेट क्यों ले रही हूँ ये आगे देख के आपको पता चल जाएगा। और प्लेट के ऊपर ग्लास को रख देंगे और इसमें सोडा को डाल देंगे। इसे स्पार्कलिंग वाटर भी बोला जाता है। इसको आप फिल कर दीजिए अपने ग्लास पे। आप एकदम फ्रेश सोडा लीजिए, मतलब बोतल को खोल के अगर 1/2 घंटा 1 घंटा रख देते हैं तो असली वाला मजा जो दुकान के फुलजार सोडा में आता है वो वाला इफेक्ट नहीं आएगा। आप देख सकते हैं सोडा हमारा फ्रेश है, इस वजह से बबल्स कितना आ रहा है इसमें से। तो अब ये सर्विंग के लिए तैयार है। अब इसके अंदर डाल दीजिए अपना शॉट ग्लास को और अब फटाफट पी लीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए प्लेट में रख के शॉट ग्लास को डाली थी, बट आप ऐसे मत करिए, एकदम मुंह के पास में लेके शॉट ग्लास को डाल दीजिए और इसे तुरंत पी लीजिए। इसकी टेस्ट बिल्कुल खट्टी मीठी स्पाइसी है, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये रेसिपी केरला की बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो देर किस बात की, गर्मियों के सीजन तो आ गया है, तो इसे एक बार बना के देखिए ना। और हाँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी आज की फुलजार सोडा। रेसिपी तो बन गई है, तो इसके साथ जान लेते हैं कि आज के किचन टिप्स क्या है। बच्चे हो या बड़े, सबको दाल खाना बहुत पसंद है, लेकिन कई बार कुकर में दाल उबालते वक्त जब कुकर की सीटी बजती है तो सीटी की आवाज के साथ दाल के पानी भी बाहर आने लगती है, जिसकी वजह से कुकर तो गंदा होता है, साथ में गैस की चूल्हा और किचन भी गंदा हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाए। इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले दाल उबालते वक्त कुकर में ज्यादा पानी मत डालें, दाल के हिसाब से पानी डालें और मीडियम फ्लेम में दाल को उबालें ताकि दाल अच्छे से गल जाए। और इसमें ढक्कन लगाने से पहले इसमें 1 बड़े चम्मच तेल डाल के ढक्कन लगा लीजिए और देखिए, जो प्रॉब्लम आपकी हर बार होती रहती थी अब बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब सीटी लगने के साथ पानी बाहर नहीं आएगी। तो ये तो थी आज की किचन टिप्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस टाइप की मजेदार रेसिपी और सीक्रेट किचन टिप्स मैं आपके तक पहुंचा सकूं। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।